यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबर अभी तक देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की अहम और खास खबरों के साथ। और अब 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में अगर आपको बताएं कि किन बड़ी खबरों पर नजर रहेगी, तो सबसे पहली खबर होगी वो ये है कि इनेलो पार्टी के अंदर जो कुछ उथल पुथल चल रही है, जो घमासान मचा हुआ है, रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें, रोज़ कुछ ना कुछ नए बयान सामने आ रहे हैं और दोनों गुटों के नेता जनता और कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। चारों चौटाला यानी दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, या फिर ऐसे कह लीजिए कि अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, सभी अपने अपने तरीके से लोगों के बीच अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अपने आप को काफ़ी सक्रिय दिखाने की कोशिश भी की जा रही है, अपने आप को सबसे अलग और सबसे सही बताने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम परिवार को तोड़ना नहीं चाहते, सामने वाला तोड़ना चाहता है, तो वहीं सामने वाला ये कह रहा है कि मैं परिवार के लिए बहुत कुछ त्याग तपस्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता, पार्टी बनी रहे, हम इस तरह की कोशिशें चाहते हैं। दूसरी जो खबर है वो ये है कि टीपू सुल्तान पर सियासत हो रही है, और सुल्तान पर सियासत इस तरह से हो रही है कि पहले जो टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जाती थी कर्नाटका में, मैसूर में खासतौर से आयोजन हुआ करता था, उस पर अब बयानबाजी हो रही है। बचपन में टीपू सुल्तान की बहादुरी के किस्से पढ़ा करते थे, लेकिन अब टीपू सुल्तान को दुश्मन और गद्दार बताया जा रहा है, इसको लेकर सियासत हो रही है। तरह तरह की बातें हैं। कांग्रेस ने जयंती मनाने का फैसला कर लिया है, बीजेपी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है कि हजारों लाखों हिंदुओं के कातिल की जयंती कांग्रेस मना रही है। तीसरी जो खबर है वो अस्पतालों की खबर है कि अस्पतालों में किस तरह के हालात हैं, किस तरह से सिस्टम मर चुका है, सिस्टम की अभी इलाज करना ज़रूरी है, बीमार अस्पतालों का इलाज भी करना ज़रूरी है, इस पर भी बात करेंगे। और ये फरीदाबाद के बीके अस्पताल का मामला है। और जो चौथी खबर है वो मारपीट की खबर है, और ये मारपीट पुलिस के सामने हो रही है, और ये मारपीट की तस्वीरें फतेहाबाद से सामने आई हैं, जहां पुलिस के सामने मारपीट हो रही है, कपड़े के स्टॉल को लेकर ये सारा वाकया निकलकर सामने आया। तो इन 4 खबरों पर जो सियासत से जुड़ी हुई भी हैं, इतिहास से जुड़ी हुई भी हैं, सिस्टम की भी है, और एक क्राइम की भी खबर कहीं ना कहीं कह सकते हैं, मारपीट हो रही है पुलिस के सामने। और शुरुआत पहली खबर से करते हैं, यानी इनेलो के अंदर जो घमासान मचा हुआ है उससे, कि किस तरह से इस परिवार में और इस पार्टी में अंधाधुंध चल रहा है, कलह चल रहा है, सभी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम परिवार को तोड़ना नहीं चाहते, पार्टी को तोड़ना नहीं चाहते, परिवार एकजुट है, पार्टी पर हमारा अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ फिर अपनी अपनी बयानबाजियों से एक दूसरे पर निशाने भी साधे जा रहे हैं, कभी डायरेक्ट और कभी इनडायरेक्टली। गुरुग्राम में जिला स्तरीय इनेलो बसपा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, और इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा समेत कई इनेलो के पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। गुरुग्राम के वसई गाँव के कम्युनिटी सेंटर में इस बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत की, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 18 जनपद में पहुंचे इनेलो के प्रदेश महासचिव अजय चौटाला ने अपने समर्थकों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान 17 तारीख को जींद में होने वाली रैली को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि अजय चौटाला फिलहाल पैरोल पर बाहर आए हैं, और 17 नवंबर को जींद में होने वाली रैली के दौरान कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। अजय चौटाला और उनके समर्थक, दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला के समर्थक, और वो खुद इस बात को बार बार कह रहे हैं कि 17 तारीख को साफ हो जाएगा कि इनेलो किसकी पार्टी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि गुरुग्राम में कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से इनेलो और बसपा की संयुक्त बैठक हुई, कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, उसमें अभय चौटाला पहुंचे और अपनी बात रखी। तो यहाँ अजय चौटाला ने 18 जनपद को उन्होंने अपनी बात रखी, कार्यकर्ताओं समर्थकों से मुलाकात की, और 18 तारीख को जो रैली होनी है उसके बारे में बातचीत की।
वहीं इनेलो में जारी तमाम उथल-पुथल के बीच अब दोनों गुटों के नेता जनता और कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। चौटाला ने कहा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यह फैसला चौटाला साहब का है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कुछ लोगों को जयचंद भी बताया और बहुत सारी बातें उन्होंने यहां पर की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने आप को लेकर यह भी कहा कि हमें बहुत पीछे करने की कोशिश की जा रही थी, भेदभाव, इस तरह की तमाम बातें आई। पत्रकारों ने पूछा कि कुछ लोग हैं कि अभी तो चार लोग हैं, फिर धीरे धीरे और बढ़ते नजर आएंगे, यानी जो विधायकों की बात सामने आ रही थी इस तरह के, पर अपने जो लोग उनके समर्थक थे उनका परिचय उन्होंने कराया। तो इस दौरान उनकी तरफ से भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया, मुझे बिना बताए ऐलान कराया गया, निरंतर अपमानित करने का काम किया गया, इसके साथ ही जो निष्कासन का जो पत्र था उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन है ही नहीं और 17 तारीख को तमाम चीजें जींद में साफ हो जाएंगी कि क्या कुछ होने वाला है और किसकी इनेलो है। उस कमेटी ने 2 तारीख को निर्णय लिया नहीं लिया इसका भी आज तक किसी को नहीं पता, पर मुझे बिना पूछे बुलाए अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरे को पार्टी से, दिग्विजय सिंह को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। मेरे को ऑफिस सेक्रेटरी ने नोटिस दिया चौटाला साहब के नाम पर, मैंने उसको भी अपनाया, मैंने उनको लिखकर दिया कि आप मेरे को कोई एविडेंस है कोई संगठन तोड़ने की मेरी गतिविधि का, कोई गैर राजनीतिक दलों के साथ काम करने का या उड़दंगबाजी मचाने का कोई भी आपके पास तथ्य है, सबूत है, वो मेरे समक्ष आप रखें। एक सप्ताह तक जब उनका कोई रिप्लाई नहीं आया उसके बाद दोबारा ये कहा गया कि एक कमेटी को भेज दिया गया। आज तक मुझे ये नहीं बताया गया कि उस कमेटी के अंदर मेंबर कितने थे, मगर ये पहली रैली थी जिसके अंदर ना तो दिग्विजय सिंह को मन संचालन करने की जिम्मेवारी लगाई गई, ना औपचारिक तौर पर मेरी वॉलंटियर्स को मैनेज करने की ड्यूटी लगाई। पहली बार हुआ कि दिल्ली के अंदर रैली होगी और उस रैली के अंदर औपचारिक तौर पर मेरी कोई ड्यूटी नहीं लगाई। निरंतर यह प्रयास किया गया कि हमें संगठन की गतिविधियों से दूर रखा जाए। तो वहीं कलायत पहुंचे इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जींद में 17 नवंबर को होने वाली बैठक में इनेलो के भविष्य का फैसला होगा। पार्टी महासचिव ने सभी को खुला निमंत्रण दिया है। अनदेखी के कारण जो कार्यकर्ता पार्टी से दूरी बना चुके हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा है। दल के कार्यकर्ताओं को और विधायकों को आज इस घड़ी में जब 14 वर्षों का संघर्ष हो गया और चौटाला साहब तो ये कहकर के गए हैं कि एक एक दिन हमें लोगों के बीच में बिताना है, गोवा छुट्टियां मनाने का तो कोई समय नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है कि आज गोवा जाने की क्या नौबत और मुसीबत आई। अगर गोवा वो गए हैं तो बड़ी हैरानी की बात है ऐसे समय पर जब 17 तारीख को जनरल सेक्रेटरी ने मीटिंग कॉल की हुई है। तो जो डिसिप्लिन है और जो पार्टी को मजबूत करना चाहता है वो गोवा नहीं जाएगा।
चार्जिंग के लिए अगर मुझे दोषी माना गया तो पार्टी को उस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। तो दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला एक तरफ और एक तरफ अभय चौटाला, सभी चौटाला हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, चाचा भतीजे भाई भाई का रिश्ता है, पार्टी एक ही है और इस पार्टी के लिए सभी का ये कहना है कि हमने खून पसीना बहाया, हमने तमाम तरह की कुर्बानियां दी हैं, हमने बहुत सारे काम किए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब ये भी कोशिश दर्शाने की जा रही है कि इस पार्टी पर उनका अधिकार है। अजय चौटाला वो कह रहे हैं कि 17 तारीख को साफ हो जाएगा जींद की रैली में, और इस तरह की बातें उनके समर्थकों और उनके लोगों के बीच में से आई हैं कि पार्टी किसकी है वो समझ में आ जाएगा। अभय चौटाला और उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस पार्टी को इस मुकाम तक लाए हैं और बचा कर रखा है कार्यकर्ताओं को जिस तरह के हालात थे, और इस सियासत की वजह से हरियाणा में हलचल मची हुई है। अरोड़ा हमारी संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गई हैं क्योंकि दुष्यंत चौटाला पंचकुला पहुंचे। शशि, आप चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पंचकुला पहुंचे, क्या कुछ पंचकुला में रहा माहौल, किस तरह की चीजें नजर आई, यहां पर कुछ बोले क्या? बिल्कुल नासिर, जिस तरीके से चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक सीडी मीडिया को देने के बाद जो दुष्यंत चौटाला जो है पंचकुला स्थित अपने आवास पर पहुंचे थे, यहाँ पर जो है इनेलो के पुराने कार्यकर्ता कह सकते हैं कुसुम शेरवाल, जिन्होंने अंबाला लोकसभा से इनेलो की सीट पर चुनाव भी लड़ा था हालांकि वो हार गई थी, आज उन्होंने जो है दुष्यंत चौटाला का साथ देने की बात कही, उनका जो है दामन थामा और उन्होंने आस्था जताई कि इनेलो में के साथ साथ दुष्यंत में भी जो है मेरी आस्था है। इसके बाद जो है मीडिया से बात करने से साफ उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि हाई कमान जो इनेलो सुप्रीमो पर चौटाला की बात आप लोग नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने कहा कौन नहीं मान रहा, तो मतलब कुछ झलमलाहट जो उनका जो चेहरे पर जो है साफ नजर आई। अच्छा, मतलब झुंझलाहट नजर आई यहाँ पर कुछ? बिल्कुल नासिर, जिस तरीके से जो उन्होंने बोला, उनसे जो सवाल पूछा गया कि आप लोग जो इनेलो सुप्रीमो का फिर कहना क्यों नहीं मान रहे, तो इस पर वो झुंझला गए थे एकदम से। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शशि। सूरज दोहन गुरुग्राम से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, अभय चौटाला पहुंचे थे गुरुग्राम, किस तरह की मीटिंग रही, कौन कौन यहां पर पहुंचा और क्या कुछ कहते नजर आए अभय चौटाला? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह गुरुग्राम में अभय सिंह चौटाला और अशोक अरोड़ा अध्यक्ष सभी यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर कार्यकारिणी की जो जिला स्तरीय बैठक थी बसपा की इनेलो की यहाँ पर हुई थी और काफी चर्चा यहाँ पर हुई की गई थी, लेकिन जिस तरह से जो हरियाणा के एसवाई मुद्दे पर जो पानी हरियाणा को नहीं मिला इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई और पार्टी को किस तरह संगठन को मजबूत करना है दोनों पार्टी में पूरी चर्चाएं हुई और जो जो मीटिंग रही वो सक्सेसफुल रही, क्योंकि सारे जो भी यहाँ के जिला स्तरीय पद अधिकारी थे सारे यहाँ पर पहुंचे हैं, जो जिला अध्यक्ष किशोर यादव और गोपीचंद गहलोत, अशोक अरोड़ा जी और गंगाराम जी और अभय चौटाला जी यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार यह 3 घंटे तक यह बैठक चली, बसई के कमेटी सेंटर में बैठक हुई। ऐसा लगता है कि जो पार्टी की मजबूती, जो पारिवारिक जो झगड़े हैं उसको सुलटाने की और एकजुट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जी, किस तरह सूरज, किस तरह से कोशिश की जा रही है पार्टी के झगड़े को सुलझाने की और पार्टी को एकजुट करने की? देखिए जिस तरह से अजय चौटाला, जो डॉक्टर अजय चौटाला बाहर आए हैं और अभी पैरोल पे हैं, लेकिन जिस तरह देखा जाए वो भी अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, हालांकि अभय चौटाला ने जो टाइम मांगा था कि अपने भाई से मिलने जाऊंगा लेकिन अभी तक मिले नहीं, लेकिन वो जो पार्टी में जो जोश होना चाहिए यानी पार्टी को नहीं बिखरना देना चाहता, क्योंकि वो लगातार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग करते रहे हैं अभय चौटाला, क्योंकि बार बार अगर उसे मिलेंगे तो कोई भी कार्यकर्ता कोई भी संगठन मतलब एक तरफ नहीं भागेगा, आपस मजबूती बनी रहेगी, इसे लगातार अभय चौटाला अपने जो कार्यकर्ताओं से मिलता रहे हैं और पूरी जो कार्यकारिणी बैठक है करते रहे हैं कि किसी तरह की दूसरी पार्टी उसको इल्जाम लगाते रहे कि दूसरी पार्टी हमारे इसमें दबाव डाल के हमें गुमराह करती है, एक परिवार के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि एक तरफा यह भी आता कि दुष्यंत चौटाला ने जो सांसद है इंद्रजीत से मुलाकात भी की है, तो इस पर भी पूछ सकता हूँ कि एक राजनीति दूसरे राजनीति से मिल सकता है, मुलाकात कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल के फर्श पर महिला मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अस्पताल के स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, थोड़ा उसको ब्लर किया है, कि एक महिला अस्पताल के फर्श पर तड़प रही है,
तो उसके आसपास ना कोई डॉक्टर है और ना ही कोई नर्स है। महिला के मुंह और नाक से खून निकल रहा है। कुछ देर में महिला की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई उसकी सुध लेने नहीं आता। दरअसल अस्पताल में बल्लभगढ़ की रहने वाली 54 साल की मीना की तस्वीरें हैं, जो कि 4 नवंबर की हैं। और ये तस्वीरें सामने आई हैं, और ऐसी तस्वीरें लोगों के सामने भी रखनी चाहिए कि किस तरह से अस्पतालों के हालात हमारे यहाँ पर हैं, अस्पतालों में किस तरह का काम हमारे यहाँ पर हो रहा है। ये काफ़ी बड़ा अस्पताल है, बीके अस्पताल, यहाँ पर ये हाल है तो कहीं और क्या कुछ हाल होगा। फरीदाबाद का ये मामला है। एक तरफ बड़े बड़े दावे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के, दूसरी तरफ कोई डॉक्टर और कोई नर्स किसी मरीज को देखने तक नहीं आते। अब क्या कुछ इसकी वजह रही होंगी ये भी पता चल जाएगा। फतेहाबाद में सिटी थाने के सामने दो पक्षों के बीच पुलिस की मौजूदगी में जमकर मारपीट हुई, और इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कपड़ों के स्टॉल लगाने के लिए दो दुकानदारों के बीच जगह को लेकर विवाद हुआ, और विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक जा पहुंचा। दो पक्षों के बीच हुई इस मारपीट में एक दुकानदार के घायल होने की खबर है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसएचओ ने कहा कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो पुलिस के सामने ही लड़ते रहे लोग, जो अक्सर लोग पुलिस को देखकर लड़ाई बंद कर देते हैं, इधर उधर भागते हैं, यहां पर पुलिस के सामने ही एक दूसरे को मारते नजर आए। यानी खाकी का खौफ अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ऐसे हालात हो गए हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।